मैं राधिका R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ नाश्ते की फिर से एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है। जब आप इसे बनाओगे तो घर वाले भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के आलू लिए थे, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसका छिलका हटाकर इसे हाथों से मैश कर लिया है और मैंने यहाँ आलू को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो ये नाश्ता बनाने के लिए आलू को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही यूज करना है। आलू को हम एक बाउल में डाल लेंगे, फिर डाल देंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। यदि आप इसे स्पेशल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आधे चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच डाल देंगे चाट मसाला, आधे चम्मच डाल देंगे इसमें हम मैगी मसाला। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मैगी मसाला डालने से। और आधे चम्मच डाल देंगे नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। अब डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाने में भी बहुत आसान है। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नींबू का रस, जो कि इसके टेस्ट को दुगना कर देगा। नींबू के रस की जगह आप यहाँ पर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आता है। वापस से हम अच्छे से मिला देंगे। अब मैंने यहाँ पर 8 ब्रेड के स्लाइस ली है। अब हम एक ब्रेड के स्लाइस लेंगे और मैंने यहाँ पर इस तरह से कट करने के लिए एक ग्लास का यूज़ किया है। यदि आपके पास कोई सा ढक्कन हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस ब्रेड को कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कट करके रख लेंगे और इसके साइड्स को पार्ट को हम हटा देंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ हम ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए करेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं और इसी तरह से हम सभी ब्रेड को कट कर लेंगे। ब्रेड के कई नाश्ते बनाए जाते हैं, लेकिन ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और सबसे खास बात कि बनाने में बहुत आसान है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर रख सकते हैं, या जब आपको ऐसा लगे कि कुछ अलग नाश्ता बना के खाया जाए तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। मैंने सभी ब्रेड्स को कट करके रख लिया है और जो इसके बची हुई लेयर हैं इसे हम ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे। अब हमने जो ब्रेड कट करके रखी थी उसमें से हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे इस तरह से, और इसके आइट साइड हम पानी लगा देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाना है, एकदम ज़्यादा नहीं लगाना है। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी आलू की, वो मसाला हम इसमें रख देंगे हल्का सा लगाकर। और अब दूसरी जो ब्रेड की स्लाइस है उसे हम इसके ऊपर ऐसा रखेंगे इस तरह से, हल्का सा प्रेस कर देंगे और दोनों साइड से हम इसे हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम इसे रख लेंगे और इसी तरह से सभी को रेडी कर लेंगे। पानी ज़रूर लगाएं, यदि आप पानी नहीं लगाएंगे तो ये इजीली से चिपकेंगी नहीं और जैसे ही आप इसे दबाएंगे तो ये टूट जाएंगी, तो इसलिए आप पानी ज़रा सा ज़रूर लगाएं। मैंने सभी ब्रेड में मसाला भरकर रेडी कर लिया है। अब मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिया है, तो मैदे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक घोल तैयार करेंगे। पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे और थिक घोल लगाएंगे, उसके बाद हम आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे, जितना घोल हमें पतला या गाढ़ा रखना है। यदि हम एक साथ ढेर सारा पानी डाल देंगे तो इसमें ढेर सारी गुठलियाँ बन जाएगी, फिर उसे ख़त्म करने के लिए हमें समय लग जाएगा, तो इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। इसका घोल ना ही हमें एकदम ज़्यादा पतला रखना है और ना ही एकदम ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस घोल को कितना पतला या गाढ़ा रखना है। अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखिए, आप इस तरह का घोल हमें चाहिए, ये ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब मैंने एक प्लेट में ओट्स लिए हैं और जो हमने ब्रेड को मसाले में लगा कर रखा था उसे हम इस घोल में डिप करेंगे इस तरह से, और इसे हम उठाकर इस ओट्स में कोट करेंगे इस तरह से, दोनों साइड से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इसे हम एक दूसरी प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से सभी को रेडी कर हम रखेंगे। ज़्यादा देर आपको इसे घोल में नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो ब्रेड है वो सॉफ्ट होने के कारण टूट जाएगी। बस आपको जल्दी से डिप करके इसे बाहर निकालना है और ओट्स में कोट करना है।
मैंने सभी को रेडी कर लिया है। अब मैंने एक पैन में थोड़ा तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक पीस उठाकर इसके अंदर इसे रख देंगे। अब हम इसे एक साइड से पहले अच्छी तरह से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेलो फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो अब हम इन्हें हल्के हल्के हाथों से पलट देंगे। ये देखिए, वाओ कितना बढ़िया कलर आया है, क्योंकि ये अभी थोड़े से सॉफ्ट हैं, इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये एक साइड से अच्छी तरह से शेलो फ्राई हो जाए, उसके बाद ही आप इन्हें पलटें। अब इन्हें हम दूसरी साइड से भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक शेलो फ्राई होने देंगे। अब हम देख लेते हैं ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से शेलो फ्राई हुए हैं या नहीं। इस तरह से हमें इन्हें पलट पलट कर शेलो फ्राई करना है। खाने में ये इतने टेस्टी लगते हैं कि इसका जवाब नहीं। आप चाहें तो इसे घर आए मेहमानों को बनाकर भी खिला सकते हैं। इस तरह से आप बनाकर इसे रेडी करके रख दीजिए, और जैसे ही मेहमान आए उन्हें आप इस तरह से फटाफट शेलो फ्राई करके खिलाइए। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर रख सकते हैं। तो ये दोनों साइड से अच्छी तरह से शेलो फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, मैंने इन्हें पलट पलट कर दोनों साइड से शेलो फ्राई कर लिया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें पैन से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। वाव, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो देखिए कितना टेस्टी और यम्मी ब्रेड और ओट्स का ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने जो इसके अंदर आलू का मसाला भरा है ना, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो अब मैं इसे उठाकर आपको बताती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।